ओम शांति। आज आप सभी को सनसन पॉइंट उस जगह पर ले चलता हूँ। चलिए, ये नक्की झील के बाजू में ही पड़ता है, बहुत पास में। चलिए हम सभी सनसन पॉइंट की सूर्यास्त का पूरी वीडियो देखेंगे। अरावली पहाड़ी, कितनी सुंदर नज़ारा। अरावली पर्वत, कितनी सुंदर नज़ारा है ये। चलिए, यहाँ से सब हम आगे जाएंगे। हमारे पीछे नक्की झील है, पूरा देख सकते हो। देख सकते हो कितना सुंदर ये रास्ता का नजारा है। इधर एक तालाब है, ये देख सकते हो। हम पहुंच चुके हैं सनसन पॉइंट, जहां सूरज दिखाई देता है पूरा। यहां से आपको पूरा नज़ारा दिखाई देगा। ये देख सकते हो, ये पहाड़ी के ऊपर से कितनी अच्छी नज़ारा है। जब सूरज डूबता है यहाँ से बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाई देता है शाम के टाइम पे। ये देख सकते हो, इसको सनसन पॉइंट बोलते हैं और हनीमून पॉइंट और अंकल आंटी का पॉइंट बोलते हैं हंसी मजाक में। ये देख सकते हो कितना गहरा नीचे।
ये देख सकते हो। दस ग्यारह बजे के आसपास में दूध दो सब्जी सर के ऊपर उठा लेके चलते हैं। इस गांव के आधार से इस पॉइंट का नाम अनादरा, ये अनादरा गांव है सामने, कम से कम 30 से 35 हजार का पॉपुलेशन, 30 से 35 हजार पब्लिक है। और यहाँ पे लाइन हाईवे ऊपर मिल जाए, एडीबी हाईवे नंबर दिल्ली से खंडला हाईवे रोड पॉइंट बोलते। जब गणेश पॉइंट के नाम पर पब्लिक नहीं आने लगा तो थरना मका गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान मारो, कहीं भी नया शादी हो तो शादी करके माउंट आबू में घूमने के लिए आते हैं। बाकी चाहे मुंह में रात में कोई पहले पूछता कि हनीमून पॉइंट कहाँ है तो थर्ड नाम कहलाता है हनीमून पॉइंट, चौथा नाम कहलाता है सनसेट पॉइंट, नीचे बैठ के ऊपर चढ़ के देख सकते हो जिसको कहते हैं सूर्यास्त सनसेट पॉइंट। बाकी पांचवी पॉइंट का नाम कहलाता है लवर्स पॉइंट, कोई छठा नाम कहलाता है काका काकी का कोई, अंकल अंटी का कोई, चाचा चाची का कोई, नाना नानी नाम से कोई। तो सामने जाके गांव में मिलता है ये गांव के अंदर, वो सामने राजस्थान का मुख्यमंत्री बना था अशोक गहलोत, जब से बड़ा तो बना था अशोक गहलोत नंबर कितना क्या लोग बुक नहीं आई यहां से सबसे बड़ा अशोक गहलोत अभी। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये पुराना जमाना का रास्ता है, माउंट के लिए राजा महाराजा के समय का, जो सब्जी और दूध और ये सारे सब चीज़ सामग्री जो आता था ये इस रास्ता पे आता था। ये देख सकते हो ये पूरा नीचे तक रास्ता गया है। ये गुफा टाइप में है, इसके अंदर पूरा रास्ता नीचे गया है। सुंदर, बहुत गहरा है ये। ये देख सकते हो बाहर की नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। वो सामने जो देख रहे हो वो डैम है पूरा, नहीं अच्छा है नज़ारा। ये जो पीछे दिख रही है अनादरा गांव है, ये देख सकते हो ये सबसे टॉप है और इसके नीचे
ये गुफा है। कितना सुंदर नजारा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। चलिए अभी चलते हैं।